आज की जो स्टोरी है इंग्लिश की इसका नाम है द ऑस्ट्रिच एंड द हेज होग तो हमेशा की तरह इंग्लिश में ये स्टोरी है इसको करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट और एक एक वर्ड का जैसे मैं यहाँ पर मीन भी समझाऊंगी बताऊंगी आपको तो इसके थ्रू करते हैं आप अपनी बेसिक इंग्लिश रीडिंग स्किल को इम्प्रूव अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव और अपनी इंग्लिश की जो बेसिक वोकेबलरी है उसको करते हैं इम्प्रूव और इन्हेंस तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर इसका नाम है द ऑस्ट्रिच एंड द हेज हॉग इस स्टोरी का इसको हम रीड करेंगे हेज हॉग ऑस्ट्रिच का मतलब होता है शुतुरमुर्ग और हेज हॉग का मतलब होता है कांटेदार जंगली चूहा बोल सकते हैं हिंदी में स्मॉल ब्राउन एनिमल विथ शार्प स्पाइक्स कवरिंग इट्स बैक मीन्स कि ये जैसे कि ये पिक्चर है ना इसमें आप देख सकते हैं ये तो है हेज हॉग कांटेदार चूहा जंगली चूहा इस तरीके से हिंदी में बोलते हैं इसको और ये है यहाँ पर शुतुरमुर्ग, यानी कि ऑस्ट्रिच तो ये है हेजॉग और ये है ऑस्ट्रिच इसकी ये इनकी ये स्टोरी है क्या स्टोरी है ट्रांसलेट करते हैं वन ब्यूटिफुल मॉर्निंग एक सुंदर ब्यूटिफुल का मतलब सुंदर ठीक है और मॉर्निंग मतलब सुबह इन समर समर का मतलब क्या होता है समर का मतलब गर्मी यानी कि गर्मी की एक सुंदर सुबह है आज हॉग हेज हॉग मतलब कि जो अभी मैंने बताया तो हेज हॉग ही बोलूँगी इसको इंग्लिश में वेंट यानी कि गया गो की सेकेंड फॉर्म है ये फॉर अ वॉक वॉक के लिए यानी कि टहलने के लिए ठीक है टहलने के लिए या घूमने के लिए एकरोस एकस का मतलब क्या होता है एक का मतलब होता है आर पार यानी कि एक सिरे से एक इस पार से उस पार जाना यानी इस पार से उस पार जाना गो फ्रॉम वन साइड ऑफ इट टू अदर आर पार इस पार से उस पार यानी कि वो घूमने गया बारले जो फील्ड है ना बारले की बारले का जो खेत है बाड़ले का मतलब होता है जो जो का जो खेत है उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमने गया अक्रॉस अ बारले फील्ड देयर वर रोज़ यानी कि वहाँ पर थी ठीक है देयर वर रोज रोज़ थी रोज़ का मतलब क्या होता है लाइन ठीक है लाइन्स जो होती है ना उसको रो बोलते हैं हम ऑफ टॉल बार्ले फील्ड बार्ले प्लांट्स इन द फील्ड मतलब कि रोज uh, थी बार्ले प्लांट्स की लंबे लंबे, लंबे बार्ले प्लांट्स की रोज थी लाइने थी उस खेत में एंड द एट द एज एज का मतलब होता है किनारा ऑफ द फील्ड यानी किसका किनारा फील्ड का खेत का किनारा खेत के किनारे पर ही मैट वह मिला ठीक है मीट की सेकेंड फॉर्म हो गई सिंपल पास टेंस यूज हो रहा है यहाँ पर एन ऑस्ट्रिच वो मिला एज पे फील्ड के एज पे, एज पे किनारे पर एक ऑस्ट्रिच से मिला यानी कि शत्रुर्मुर्ग से नेक्स्ट क्या है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ही सेट टू द ऑस्ट्रिच इन चीरफुल वॉइस उसने चीरफुल वॉइस में ऑस्ट्रिच को गुड मॉर्निंग किया चीरफुल वॉइस का मतलब तो आपको पता है आवाज होती है ध्वनि होती है और चीरफुल का मतलब होता है प्रसन्न हसमुख आनंदित ठीक है यानी कि हसमुख सी आवाज में उसने उसको क्या कहा गुड मॉर्निंग कहा तो चीरफुल का मतलब हो गया प्रसन्न हसमुख आनंदित इस तरीके से बट द ऑस्ट्रिच लुक डाउन लेकिन ऑस्ट्रिच ने नीचे देखा एट हिम उसकी तरफ एंड सैड और कहा आई डोंट टॉक मैं बात नहीं करता टू स्टम्पी लेग्ड स्टम्पी लेग्ड वाली लेग्ड वाले क्रीचर से लाइक like यू तुम्हारे जैसे लाइक like यू तुम्हारे जैसे तो यहाँ पर डोंट का यूज़ हुआ है डजन डोंट नेगेटिव बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं ठीक है तो ये उसने कहा वो सेम वही टेंस यहाँ पर दिया गया है जिस समय कहा ना उस समय तो आई डोंट टॉक टू स्टम्पी और लेग का मतलब तो पाँव हो गया लेग का मतलब स्टम्पी का मतलब क्या होता है थिंग्स आर शॉर्ट एंड थिक थिंग्स यानी कि जो चीज़ें होती है छोटी और मोटी के लिए हम यूज़ करते हैं स्टम्पी छोटा मोटा कह सकते हैं गोल मटोल कह सकते हैं और जैसे कि ये है ना हे ये शॉर्ट है तो इसको हम इसको उसने स्टम्पी कहा है जो छोटी हो मोटी हो गोल मटोल हो ऐसी चीज़ों के बारे में तो ये क्रीचर की बात कर रहा है तो क्रीचर का क्या मतलब होता है ये भी जान ले क्रीचर का मतलब होता है प्राणी या जीव जंतु जो होते हैं रेफर टू एनी लिविंग थिंग्स दैट इज़ नॉट अ प्लांट एज अ क्रीचर मतलब कि एनिमल्स के लिए हो सकता है ह्यूमन बींग्स जो हम हैं हमारे लिए इस क्रीचर वर्ड का यूज़ हो सकता है लेकिन प्लांट्स के लिए यूज़ नहीं होता ठीक है नेक्स्ट है इसने कहा कि मैं तुमसे बात करना नहीं पसंद करता तुम्हारे जैसे छोटे और मोटे क्रीचर से जंतु से जीव से एनिमल से जंतु से जीव से या एनिमल से माई लेग्स मेरे जो फिर इसने क्या कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है माई लेग्स मे बी शायद मेरे जो पाँव हैं शायद स्टम्पी है मतलब कि स्टम्पी छोटे हैं मोटे हैं ठीक है शॉर्ट है बट आई कैन रन लेकिन मैं रन कर सकता हूँ फास्टर फास्टर मतलब तेज़ ठीक है अधिक तेज देन यहाँ पर यूज़ किया गया है किसी में कंपैरिजन करते हैं ना तुलना करते हैं तो तुलना के वक्त दैन का यूज़ किया जाता है मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ एनी एनिमल्स एनी अदर एनिमल्स तो जो अन्य जानवर है ना उनके साथ इसकी तुलना की गई है ठीक है उनसे मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ तो देन का यूज़ करके तुलना की जाती है सेट द हेजॉग किसने कहा हेजॉग जो अन्य जो जीव जंतु है एनिमल्स है मतलब उनसे मैं तेज़ दौड़ सकता हूं नो वन नो वन का मतलब क्या है कोई नहीं या नो बडी कैन का यूज़ करते हैं हम एबिलिटी को दिखाने के लिए सेंस ये सकता है सकती है का देता है रन फास्टर यानी कि नो वन कैन रन फास्टर कोई भी नहीं ठीक है नो बडी नो बडी नो बडी और नो वन सेम हो गया कि कोई भी नहीं मेरी तरह दौड़ सकता देन जब तुलना की जाती है जैसे मैंने बताया आई कैन जितना तेज़ मैं दौड़ सकता हूँ ना उतना कोई नहीं दौड़ सकता नो बडी कैन रन डोंट यू सी तो आपको समझ में आ रहा होगा कैन का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है ठीक है कैन मॉडल वो आपका डोंट यू सी हाउ लॉन्ग हाउ मतलब कितने लॉन्ग लंबे माय लेग्स आर यानी है डोंट यू सी मतलब कि तुम्हें दिखाई नहीं देता या तुम तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरे पाँव कितने लंबे हैं सेट द ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच ने कहा कितने लॉन्ग है फिर है वाई डोंट वी हैव अ रेस अब क्यों नहीं हम एक रेस रख लेते ठीक है रेस रख लेते have का मतलब होना या कीप रखना ठीक है रखना या होने के सेंस में तो वाई डोंट वी हैव अ रेस क्यों नहीं हम एक रेस रख लेते सैड द हेज हॉग हेज हॉग ने कहा दैन वी विल सी फिर हम देखेंगे हु इज द फास्टर रनर कौन है तेज दौड़ने वाला फास्टर रनर यू और आई मैं या तुम एग्रीड एग्रीड मीन्स कि मान गया सेट द ऑस्ट्रिच मान गया और वो उसने कहा कि सहमत हूँ सहमत हो गया शेल वी स्टार्ट क्या हम शुरू करें तो शेल का यूज़ किया जाता है आई और वी के साथ आई और वी के साथ ऑफर्स सजेशंस टू आस्क फॉर एडवाइज़ कोई एडवाइज़ के लिए पूछना सजेशन के लिए ऑफर के लिए हम शेल का यूज़ करते आ, शेल का यूज़ कर देते हैं तो आई और वी के साथ शेल वी स्टार्ट क्या हम शुरू करें उसने उससे पूछा ठीक है बट द हेज हॉग सेड लेकिन हेज हॉग ने कहा लेट मी लेट का यूज़ होता है लेट का यूज़ मुझे करने दो के सेंस में या फिर निकलने जाने दो मुझे कोई काम करने दो या फिर मुझे निकलने दो या मुझे जाने दो तो लेट मी गो तो कहा ना कि मुझे जाने दो लेट मी गो हो मुझे घर जाने दो एंड टेक यानी लाना माय ब्रेकफास्ट मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो लाने दो आई कांट रन मैं दौड़ नहीं सकता ऑन ठीक है सकता है सकती है के सेंस में कैन का यूज हो गया और नेगेटिव है तो कांट का यूज़ हो गया ऑन एन एम्पटी खाली स्टमक यानी खाली पेट में नहीं दौड़ सकता तो सकता है सकती है सकते है का सेंस आएगा तो कैन का हम यूज़ करते हैं शेल वी हैव द रेस एट मिड डे क्या हम जो रेस है वो मिड डे को रखें ऐसा करके वो उससे राय लेता है उससे मशवरा करता है तो शेल का यूज़ हम आई और वी के साथ करते हैं किसी से इस तरीके से राय लेते हैं कि ये ठीक रहेगा फिर उसने कहा शॉर सेट द ऑस्ट्रिच ने कहा शॉर द ऑस्ट्रिच वेंट होम ऑस्ट्रिच गो वेंट हो, गो होम होता है तो वेंट का यूज हो गया यहाँ पर सेकेंड फॉर्म के लिए तो वो घर गया एंड वेंट टू स्लीप यानी कि घर गया और सो गया द हॉग वेंट होम तो गो की सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट तो वो भी घर चला गया एंड ब्रॉट ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म तो सेकेंड फॉर्म का यूज होता है तो सिंपल पास टेंस होता है हिज मदर फादर ब्रदर्स सिस्टर्स कजन्स इवन आंट्स एंड अंकल्स मतलब यहाँ तक कि अंकल और आंटियों को भी वो लेकर आ गया टू द बार्ले यानी कि बार्ले की फील्ड में जो के खेत में ही मेड दैम मेड जो है मेक की सेकंड फॉर्म है इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है मेड के बाद तब क्या होता है कि किसी से कोई काम करवाना लिखवाना पढ़वाना कटवाना ऐसा कोई सेंस आता है हिंदी में तब हम मेक uh, का यूज़ करते हैं तो सेकेंड फॉर्म है क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में उसने क्या किया टेक देयर पोजिशंस उन पोजिशन उनको उनकी जो पोजिशन है उन पर लगवा दिया इन सच अ वे इस तरीके से ठीक है सच अ वे मतलब इस तरह से या इस तरीके से की दैट की देयर वॉज अ हैज होग मतलब हेज होग था एट बोथ द एंड्स ऑफ एंड्स ऑफ ईच रो ऑफ बार्ले प्लांट्स बार्ले मतलब जो हो गया बोथ यानी दोनों और यह है एंड्स ठीक है एंड एक होता है ए एंड डी एंड ठीक है एंड मतलब और का सेंस देता है और ये वाला जो एंड है ना ई एंड डी एंड इसका मतलब होता है अंत या फिर समाप्त या फिर, फिर फाइनल पॉइंट और जो लास्ट पार्ट होता है ना वो तो इसने क्या किया ये जो रो है बाडले की जो लाइंस है यहाँ पर जो एंड पॉइंट्स थे इस तरीके से इनके एंड्स पॉइंट्स पर क्या कर दिया एंड पॉइंट पर क्या कर दिया हे को यहाँ पर उनकी पोजीशन कर दी तय कर दी उसने फिर क्या है प्लेस तय कर दी एट मिड डे यानी कि मिड डे के समय दोपहर के समय द हेजोग एंड द ऑस्टिच मेट यानी मिले दोनों जने एड द बार्ले फील्ड में बार्ले फील्ड में एंड द रेस स्टार्टेड और जो रेस है वो शुरू हुई स्टार्टेड हुई शुरू हुई द ऑस्ट्रिच जो ऑस्ट्रिच था ना बिगिन उसने क्या किया बिगिन किया शुरू किया बिगिन जो है शुरू किया इसका सेंस जाता है और बिगिन बिगिन और बिगन इस तरीके से तीनों फॉर्म होती है ये बिगिन की सेकेंड फॉर्म है शुरू किया सिंपल पास टेंस है एट द फर्स्ट रो यानी पहली जो रो है ना पहली जो लाइन थी वहाँ से उसने शुरू की जो रेस है ही टुक लॉन्ग टेक की सेकेंड फॉर्म टुक ली यानी लॉन्ग यानी लंबी लंबी स्ट्राइड्स ली स्ट्राइड्स का मतलब है लंबे कदम लंबे कदम लॉन्ग स्टेप्स एंड सून रीच्ड और जल्द ही पहुंचा ठीक है रीच की सेकेंड फॉर्म द एंड ऑफ द रो जो एंड था ना रो का यहाँ से स्टार्ट किया और उसके एंड पे पहुंचा एंड ऑफ द रो ही वो सरप्राइज्ड वो क्या था सरप्राइज था आश्चर्यचकित था हैरत में था अचरज में था टू सी हेजोग ऑलरेडी देख कर टू सी देख कर अ हेजोग ऑलरेडी यानी पहले से ही देयर यानी वहाँ वेटिंग फॉर हिम जो उसका क्या कर रहा था इंतजार कर रहा था सो यू हैव रीच्ड तो तुम पहुंच गए तो तुम पहुंच गए हो सेट द हिजॉग टू ऑस्ट्रिच उसने ऑस्ट्रिच से कहा तो हैव के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है तो ये कौन सा है प्रेजेंट का प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है हेड होता तो पास्ट का परफेक्ट होता द ऑस्ट्रिच वॉज सो सरप्राइज ऑस्ट्रिच क्या था बहुत सरप्राइज था दैट कि ही डिड नॉट रिप्लाई कि उसने जवाब नहीं दिया ही रेन रन की सेकेंड फॉर्म रेन दौड़ा बैक अलोंग बैक अलोंग का मतलब है यहाँ पर बराबर बराबर या साथ साथ द नेक्स्ट के फिर वो वापस से शुरू करता है तो वहाँ से वो फिर से दौड़ा अगेन वैन ही रिस्ट फिर से वह पहुँचा ही रिस्ट पहुँचा द एंड पर जो नेक्स्ट जो अंत उसका समाप्ति वाला जो पॉइंट था वहाँ पर ही फाउंड अब फाइंड की सेकेंड फॉर्म है फाउंड फाउंड का मतलब जो है स्थापित करना भी होता है लेकिन यहाँ पर है पाया या मिल गया के सेंस में पाया या मिल गया अ जोग उसने एक और है जोग पाया वेटिंग वेटिंग इंतज़ार कर रहा था फॉर द फॉर हिम उसका तो ऑस्ट्रिच कुड नॉट टेल यानी बता नहीं पाया या बता नहीं सका सका सकी सके के सेंस में कुड का इस्तेमाल होता है कोई काम कर नहीं पाया सके तो डिफरेंस यानी कि अंतर बिटवीन यानी के बीच में वन है जोग एंड द अदर यानी जितने भी हजोग थे ना एक का दूसरे के साथ वो अंतर नहीं कर पाया एंड बिलीव्ड और विश्वास हुआ कि ही हैड बीन बीटन कि दैट he, he कि ही been बीटन यानी कि वह पराजित कर दिया गया है कर दिया गया था या हरा दिया गया था तो कोई भी काम कर दिया गया था काम कर दिया गया था ऐसा बताने के लिए हम been के साथ बीटन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं एज अ पैसिव सेंटेंस के तो ये पैसिव सेंटेंस है ठीक है दिस हैपन सेवरल टाइम्स ये हुआ कई बार सेवरल टाइम्स कई बार हुआ हैपन मतलब होना हुआ ठीक है सेकेंड फॉर्म वेन ही री जब वह पहुंचा द एंड ऑफ द लास्ट रो एंड पर लास्ट जो अंतिम रो थी वहां पर ही फाउंड अ हैजॉग सिटिंग देयर ऑल्सो सिटिंग देयर यानी पहले से ही वहां पर क्या है एक हैजॉग बैठा हुआ उसको मिलता वो बैठा हुआ पाया जाता पाया ठीक है द हैजॉक वॉज फ्रेश और जो हैजॉक वॉज यानी था फ्रेश था ताज़ा और स्माइलिंग स्माइलिंग का मतलब क्या हो गया स्माइलिंग का मतलब मुस्कुराते हुए तो फ्रेश था इतना दौड़ा उसके बाद भी वो थका नहीं लेकिन उसने तो यानी जो भी एंड थे उस लाइन के रॉ के जो बार्ले फील्ड थी वहाँ पर उनके जो रॉब थे एक एक हैजॉक को वहाँ पर उसने बैठा रखा था दस्टज कुड नॉट अंडरस्टैंड नहीं समझ सका या पाया हाउ ही हैड बीन कि उसे कैसे हरा दिया गया था ही हैड बीन हैड और फिर बीन फिर की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के जब सेंटेंस बनाते हैं जहाँ पर काम दिखाया जाता है तो टेंसिस के हिसाब से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इनका यूज़ करते हैं तो हैड बिन कोई काम कर दिया गया था हैड बिन तो हरा दिया गया था बाय और फिर अगर सब्जेक्ट बताना होता है तो बाय लगा कर बताते हैं बाय अ स्टम्पी लिटिल हैजॉब स्टम्पी मतलब थिन स्टम्पी का बताया मैंने मोटा और छोटा लिटिल यानी छोटा हैजहा से उसको हरा दिया गया था उसके द्वारा ही वेंट अवे वह चला गया तो वेंट अवे मतलब दूर चला गया वेंट अवे मतलब दूर और वेंट मतलब चले जाना तो चला गया वो दूर ऑन हिज टायर्ड यानी किस ऑन हिज टायर्ड सोर फीट यानी अपने पैरों से पैर कैसे हो रखे थे उसके थके हुए और शोर शोर का मतलब इतना जब वो दौड़ा तो उनमें घाव हो गए थे तो घाव वाले सोर फीट घाव वाले पैरों के साथ पीड़ादायक पैरों के साथ वो चला गया जिनमें पेन हो रहा था एंड एंड बैरीड हिज हैड और बैरीड का मतलब होता है गाड़ देना ज़मीन में दबा देना बैरीड कर देना हेड को अपने जो हेड था उसको बैरीड कर दिया ज़मीन में गाड़ दिया डीप यानी अंदर गहराई में इन सैंड रेत में रेत में गहराई में अपने सर को उसने अंदर डाल दिया ज़मीन में तो इस तरीके से ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है सिंपल है शॉर्ट है लेकिन इंग्लिश में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा तो आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं